अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। जैसा कि बच्चे आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 4 जो हम लोगों ने बी स्टैट का स्टार्ट किया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज के लेक्चर में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है आप लोगों की बुक्स पर जो अवेलेबल है वो है बेसिक सेट थ्योरी एंड काउंटिंग टेक्निक्स। तो आज के लेक्चर में बच्चे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और इस चैप्टर के स्टार्टिंग के ऊपर जो डेफिनेशंस आप लोगों को गिवन है सेट से रिलेटेड, वो सारी के सारी डेफिनेशंस जो हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें सेट की डेफिनेशन गिवन है। सेट के जो डेफिनेशन आप लोगों की बुक्स पर अवेलेबल है वही सेम डेफिनेशन मैंने इधर स्लाइड्स में पुट की है। सेट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रिसाइज फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको प्रिसाइज फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करने के लिए आप लोग जो है वो सेट को यूज करते हैं। जैसा कि जो है बच्चे हम लोग अगर सेट की बात करें तो ये जो सेट वाला टॉपिक है ये आप लोगों के लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है, बल्कि आप लोग जो है वो 5th क्लास से ही जो है वो सेट पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। 5th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में आप लोगों ने जो है वो सेट पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को बच्चे याद होगा कि जो सेट है इसको हमेशा हम लोग जो है वो कैपिटल लेटर से शो करते हैं। वो कैपिटल लेटर जो है वो ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मीन्स के आप लोग जो है अल्फाबेट्स में से कोई सा भी कैपिटल लेटर जो है वो यूज कर सकते हैं सेट को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी कि ए टू जी कोई सा भी जो है वो अल्फाबेट वो कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, उसको जब आप यूज करेंगे तो उसके जरिए आप लोग जो है वो सेट को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो बेटे सेट के अंदर डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको हम लोग जो है वो एलिमेंट्स का जो है वो नाम देते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच मेकअप अ पर्टिकुलर सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट्स आर मेंबर्स ऑफ सेट। तो वो जो उसके जो है वो पर्टिकुलर सेट को कोई बनाते हैं मिलकर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको या तो हम लोग जो है वो बच्चे एलिमेंट्स का नेम देते हैं या फिर हम लोग जो है वो मेंबर्स का नेम देते हैं। तो बच्चे ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग जो है वो स्मॉल लेटर से जो है वो शो करते हैं, जैसा कि अल्फाबेट्स ही हैं यहाँ पर भी ए बी सी, लेकिन ये जो है वो स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में है, ये कैपिटल फॉर्म में नहीं है। अगर कैपिटल लेटर्स आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग सेट को शो करने के लिए जो है वो कैपिटल लेटर यूज करेंगे, और अगर आप लोग जो है वो स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे तो वो आप लोग जो है वो एलिमेंट्स ऑफ सेट को जो है वो शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है बच्चे स्टाइल ऑफ राइटिंग अ सेट। तो बच्चे स्टाइल जो है वो सेट को आप लोग जो है वो दो तरीकों से लिख सकते हैं। टू टाइप्स हैं राइटिंग के, टेबुलर फॉर्म या फिर जिसको हम लोग जो है वो रोस्टर मेथड का नेम भी देते हैं, इस फॉर्म के जरिए भी आप लोग जो है वो शो कर सकते हैं। और जो सेकंड फॉर्म है जिसके जरिए, जो सेकंड स्टाइल है जिसके जरिए आप लोग जो है वो सेट शो कर सकते हैं, वो है सेट बिल्डर फॉर्म और नोटेशन और प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, तो अगर पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि जो है वो कौन से स्टाइल्स हैं जिनके जरिए आप लोग जो है वो सेट लिख सकते हैं, तो बेसिकली बच्चे दो फॉर्म्स होती हैं, दो स्टाइल्स होते हैं, टेबुलर फॉर्म होते हैं या फिर रोस्टर मेथड, और सेट बिल्डर फॉर्म और नोटेशन और प्रॉपर्टी मेथड। तो ये जो है ये दोनों की एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों की बुक्स पर मौजूद हैं। आप लोग जो है वो जब भी लेक्चर लिया करें बुक जो है अपने सामने ओपन करके रखा करें, ये दोनों जो फॉर्म्स हैं ये आप लोगों के जो है वो टेक्स्ट बुक पर मौजूद हैं। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो बच्चे ये जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं सेट्स की, जिसमें जो है वो नल सेट भी शामिल है, सिंगल टोन सेट भी शामिल है, फाइनाइट सेट भी है, इनफाइनाइट सेट भी है, सब सेट है, पावर सेट है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं जो सेट की वो आप लोगों की बुक्स पर जो है वो गिवन है, जैसे प्रोडक्ट सेट है, यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये हम वन लोग जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम लोग जो है वो नल सेट को डिस्कस करते हैं। तो बच्चे नल सेट को हम लोग जो है वो एम्प्टी सेट का भी नाम देते हैं या फिर हम लोग जो है वो इसको वाइड सेट भी कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहा जाता है या फिर वाइड सेट भी कहा जाता है। तो अगर तीनों में से आप लोगों को जो है वो पेपर में पूछा जाता है तो आप लोग जो है वो तीनों में से कोई एक नाम भी जो है वो आप लोगों को लेकर पूछा जाता है तो आप लोग जो है वो नल सेट की डेफिनेशन ही लिखेंगे। लेट्स सपोज पेपर में आपसे पूछा जाता है एम्प्टी सेट को डिफाइन करें, तो आप लोग जो नल सेट की डेफिनेशन है वो ही एम्प्टी सेट में पुट करेंगे। इसी तरह अगर आप लोगों को जो है वो वाइड सेट से रिलेटेड पूछा जाता है उसमें भी आप लोग जो है वो नल सेट की डेफिनेशन ही पुट करेंगे।
तो ये तीनों जो है वो एक ही सेट के नेम है, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वायड सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट और एम्प्टी सेट। तो बच्चे ऐसा सेट जिसमें जो है वो कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, उसको हम लोग जो है वो नल सेट कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप लोगों ने उर्दू में अगर पढ़ा है, कुछ बच्चे जो है वो उर्दू मीडियम भी हैं पीछे से, तो उन्होंने पढ़ा होगा खाली सेट, ठीक है। तो खाली सेट को हम लोग जो है वो नल सेट का नाम देते हैं, और इसको हम लोग बच्चे फाई से जो है वो शो करते हैं, यानी कि नल सेट को हम लोग जो है वो फाई से शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप है बच्चे सिंगलटन सेट। अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट और यूनिट सेट, ठीक है। तो मोस्टली आप लोगों से जो है वो यूनिट सेट से रिलेटेड ही पूछा जाता है कि यूनिट सेट जो है वो क्या होता है, या फिर सिंगलटन सेट से रिलेटेड भी आप लोगों को पेपर में दोनों में से कोई एक नेम लेकर भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो अगर जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को क्वेश्चन आता है सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट, तो आप लोग जो है वो सेम यही डेफिनेशन पुट करेंगे कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, जिस सेट का सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर हो, उस सेट को हम लोग जो है वो सिंगलटन सेट का नाम देंगे या फिर यूनिट सेट जो है वो बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो है वो बी सेट शो किया है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, उसमें बच्चे देखें तो ये जो एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है, वन, ठीक है। सेट क्या है, बी। बी सेट का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है वन। तो ये जो है वो आप लोगों के पास यूनिट सेट या फिर सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है बच्चे फाइनाइट सेट। अ सेट कंसिस्टिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। तो बच्चे कोई भी ऐसा सेट जो कि ऐसे जो है वो नंबर्स पर, ऐसे एलिमेंट्स पर जो है वो मौजूद है जो कि काउंटेबल फॉर्म में है, जिनको आप लोग जो है वो गिन सकते हैं, ठीक है, जो महदूद हैं, उसको हम लोग जो है वो फाइनाइट सेट का नाम देंगे। जैसा कि एग्जांपल मैंने आपके साथ जो है वो यहाँ पर शेयर की है, सेट ए आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्लाइड पे। सेट ए जो है वो क्या है, डेज ऑफ अ वीक, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है डेज ऑफ अ वीक। तो एक हफ्ते में बच्चे कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, ठीक है। तो वो क्या है आप लोगों के लिए, काउंटेबल फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, महदूद होते हैं। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट की एक एग्जाम्पल है डेज ऑफ अ वीक। इसी तरह अगर कोई सेट है जिसमें नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो वो भी काउंटेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट सेट की एग्जांपल होगी। इसी तरह अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा सेट है जिसमें आप लोगों को कहा जाता है कि रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जो रिवर्स हैं वो भी फाइनाइट हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो अगर एक साल में जो मंथ्स हैं उनसे रिलेटेड कोई सेट है, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो वो भी फाइनाइट सेट की ही एग्जांपल है कि एक जो है वो जो साल है उसमें कितने महीने हैं, ठीक है, कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, तो वो भी काउंटेबल फॉर्म में आपके पास मौजूद है। तो ये जो है वो फाइनाइट सेट की मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आज के लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने सेट को डिफाइन किया, एलिमेंट सोफा सेट जो है वो उनको डिस्कस किया कि जितने भी जो है वो इसके जो मेंबर्स होते हैं, या फिर जो है वो जितने भी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर कोई पर्टिकुलर सेट जो है वो बनता है, उसको हम लोग जो है वो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। इसी तरह बाद में हम लोगों ने बच्चे स्टाइल ऑफ राइटिंग का सेट को डिस्कस किया कि दो जो है वो स्टाइल्स हैं जो हम सेट को जो है वो राइट करने के लिए चूज करते हैं, जिसमें हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म और रोस्टर मेथड डिस्कस किया, और सेट बिल्डर फॉर्म या फिर नोटेशन या फिर जिसको हम लोग जो है प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, इसके जरिए भी हम सेट को शो कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे हम लोगों ने सेट की जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट जो है वो उसको डिफाइन किया, उसकी एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह जो है वो सिंगलटन सेट की एग्जाम्पल भी आपके साथ शेयर की है, और इसकी डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की, और फाइनाइट सेट की डिफरेंट एग्जाम्पल्स और उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो बच्चे आज के लेक्चर में अगर किसी बच्चे को कोई मसला है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, किसी डेफिनेशन की समझ नहीं आई, तो आप लोग जो है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया है, तो आप अगर आप लोगों को कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप लोग जो है वो स्टार्टिंग के ऊपर ही जो है वो उसको मुझसे डिस्कस कर लें, ताकि जो है वो सारा जो चैप्टर है वो बाद में अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो सके।